أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Introduction to Photosynthesis. Students, ये हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले हमने दो चैप्टर वाटर रिलेशंस एंड मिनरल न्यूट्रिशंस को कंप्लीट कर लिया. उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस, ये हम इसको आज डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन. बस सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखते हैं. ये क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सच एज ग्रीन प्लांट्स, अल्जी एंड साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मेक देयर ऑन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स एंड रेडिएंट एनर्जी. What is radiant energy? You can say that it's a radiation energy or solar energy. Understand? The term photosynthesis is derived from the Greek word photo mean light and synthesis meaning putting together. Understand? It is a vital for life on earth because it releases oxygen which is necessary for life. Photosynthesis can be defined as a process that converts carbon dioxide into organic compound, especially sugar, using the energy from sunlight. Photosynthesis means ek ye bhi definition ho sakti hai. ये ऐसा प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, स्पेशली शुगर्स को, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. और ये एनर्जी कहाँ से लेता है? सनलाइट से. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखें, द प्रोसेस बाय विच रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सूरज की जो रोशनी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? इनटू केमिकल एनर्जी. एंड ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस. अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस बनती हैं किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस से. इनऑर्गेनिक सोर्सेस कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट. और इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है? बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है. ये देखें, इक्वेशन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस फोटॉन्स, तो क्या बना? तीन कार्बन कंपाउंड शुगर बनी और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुई है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल एक जनरल इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की. अकरेंस, फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, एल्जी एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया बट नॉट इन आर्की. जो आर्की बैक्टीरिया थे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती. फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्जी या के अंदर होती है, या इसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनके अंदर होती है. तो देखें, फोटोसिंथेसिस के तीन मेजर ग्रुप्स में होती है. किसमें? प्लांट्स में, एल्जी में और बैक्टीरिया में. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स. क्या कहलाते हैं ये? फोटो ऑटोट्रॉफ्स. देखिए स्टूडेंट्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन फोटो मीन लाइट, ऑटोट्रॉफ्स मीन जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं. तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन ऐसे जानदार जो लाइट को यूज करके, रेडिएंट एनर्जी को यूज करके, सोलर लाइट को यूज करके, सूरज की रोशनी को यूज करके अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. सिंस इट अलाउज देम टू क्रिएट देयर ऑन फूड. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था फोटोसिंथेसिस का.
होपफुली आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। अंडरस्टैंड?